नमस्कार, मैं आपके अपने क्षेत्र आदित्यपुर जिला सरायकेला झारखंड से बोल रहा हूँ। बेहद कम शब्दों में निजी अस्पताल की मनमानी और सरकारी अस्पताल की जो चूक होती है उसके विषय में इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। खास करके ये वीडियो वैसे लोग जरूर देखिए जिनको अभी हल्का बुखार है, थोड़ा कमजोरी है या कोविड-19 का शिकार है। आप लोगों को आश्चर्य होगा कि मेरे पिताजी को तबीयत खराब था, उनको कुछ कमजोरी थी, उनको शहर के एक बड़े अस्पताल में एडमिट कराया गया। ठीक 18 तारीख के शाम में लगभग सात बजे उनको एडमिट कराया गया। ये सोच कर एडमिट कराया गया कि उनका वहाँ थोड़ा इलाज होगा, सलाइन दवाई चढ़ेगा और ठीक हो जाएंगे, घर में से अच्छा अस्पताल ज़्यादा अच्छा है। लेकिन लगभग एक बज गए, लेकिन इस बीच 7 बजे से रात के 1 बजे तक उनका कोई इलाज नहीं कराया गया, उनको कोई मेडिसिन नहीं दिया गया, कोई सलाइन नहीं चढ़ाया गया, बल्कि 1:30 बजे के आसपास उनका कोरोना टेस्ट किया गया। और ये देखिए कोरोना टेस्ट, उसका रिपोर्ट लगभग 10 मिनट से भी कम समय में आ गया और वो पॉजिटिव। मेरे पिताजी अब कोरोना पॉजिटिव है और वहाँ पर जो भी डॉक्टर मौजूद थे उनके तरफ से ये दबाव बनाया गया कि अब आपको हर हाल में एडमिट करना ही होगा। अब बताइए, हम लोगों पास चूँकि उतना पैसा नहीं था, इस वजह से हम लोग अपने पिताजी को घर लेकर आ गए और सरकारी सेवा के अंतर्गत जो अस्पताल है, सरकारी सेवा से हम लोग उनका इलाज कराने के लिए घर लेके आए। ठीक है, आप उस हॉस्पिटल का रिपोर्ट देख सकते हैं। यह देखिए, यहाँ 19 तारीख को हम लोग एडमिट कराया था, देख लीजिए, सॉरी 18 तारीख को और 19 तारीख को उनका ये हुआ और उनको पॉजिटिव घोषित किया गया। ठीक एक दिन के बाद 19 तारीख को शाम में रात मतलब 1:30 बजे उनका रिपोर्ट पॉजिटिव आया था। और देखिए ये 21 तारीख को यहाँ RT-PCR आप देख सकते हैं टेस्ट कराया गया है गमरिया स्वास्थ्य केंद्र में। और इसका ये देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ देखिए यहाँ पे इनका नेगेटिव आया है। तो अब इस वीडियो को जो भी बुद्धिजीवी बड़े लोग संबंधित अधिकारी देख रहे हैं, अब आप लोग बताइए कि ऐसा संभव है कि 2 दिन के अंतराल में जो इंसान पहले पॉजिटिव था और फिर नेगेटिव, कोविड नेगेटिव घोषित किया गया। अब आप ही लोग बताइए ये क्या है, यहाँ गलती कहाँ हुई। आप लोग से मैं जानना चाहता हूँ कि यह संभव है कि 2 दिन के अंतर में ही कोरोना पॉजिटिव पेशेंट कोरोना नेगेटिव हो जाए। खैर अभी मेरे पिताजी बिल्कुल मस्त है, ज़बरदस्त है। और आप लोगों से विनती है, इस वीडियो को इतना फैलाइए कि ये वीडियो संबंधित अधिकारी तक पहुँचे और इसकी सही से जांच हो, वरना एक गरीब लाचार और मिडिल क्लास आदमी कोरोना से कम और निजी अस्पताल की मनमानी और खर्च से वो यूं ही मर जाएगा। धन्यवाद।